हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमेजन से मंगाए हुए एलेक्सा इको डॉट स्पीकर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और यह कैसे काम करता है यह भी आगे वीडियो में देखेंगे। यह इको डॉट अमेजन का प्रोडक्ट है और यह थर्ड जनरेशन इको डॉट है। तो बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। बॉक्स के कवर पे इसके डिटेल्स लिखे हुए हैं और यह क्या क्या सपोर्ट करेगा ये सभी जानकारी हमें मिल जाती है। यह एक स्मार्ट स्पीकर है और आपके वॉइस पे यह काम करता है। तो आप वॉइस कमांड देने से यह आपके न्यूज़ बता सकते हैं, आपकी कैब बुक कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आगे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग वगैरह लिखी हुई है। तो मैंने इसे ऑनलाइन से लगभग 2000 में मंगाया। कुछ बैंक ऑफर लगाने से यह कुछ और भी आपको सस्ते में मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी ऑनलाइन लिंक दे दूंगा जहां से कि आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे बॉक्स को ओपन किया जाए और अंदर से इको डॉट स्मार्ट स्पीकर को बाहर निकालते हैं। बॉक्स के ऊपर में ही हमें यह इको डॉट स्मार्ट स्पीकर मिलता है। उसके नीचे में कुछ मैनुअल गाइड्स और अदर पेपर्स हैं और इसके ठीक नीचे एक अडाप्टर है। इस एडाप्टर का यह हिस्सा प्लग के थ्रू पावर में जाएगा और दूसरा हिस्सा इको डॉट में जाएगा। तो यहाँ पे इस एडाप्टर के ऊपर अमेजन लिखी हुई है। यह 15 वाट एडाप्टर है, यहाँ पे 15 वाट लिखी हुई है। तो बॉक्स के अंदर से हमें कुल मिला के इतनी चीज़ें मिलती है। चलिए अब इस इको डॉट को देखते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर के कवर को हम निकाल देते हैं। यह काफ़ी छोटा सा है और यह आपके हाथों में आ जाता है। यहाँ पे हमें चार बटन देखने को मिलती हैं। प्लस माइनस वॉल्यूम के बटन हैं, फिर एक माइक्रोफोन के बटन है और एक एक्शन है। यह हिस्सा स्पीकर का है और यह इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर हमें दो होल्स देखने को मिल रहे हैं, एक तो पावर एडाप्टर के लिए है, दूसरा ऑक्स के लिए है जिससे कि हम अपने अदर स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे का हिस्सा काफ़ी अच्छा है और यह इसकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है और यह आपके टेबल पे बहुत अच्छे से फिट आ जाएंगी। इसके अलावा आप इसकी यूजर मैनुअल गाइड को देख के भी आप काफ़ी कुछ समझ सकते हो। इसे हम प्रैक्टिकली आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले एलेक्सा ऐप को डाउनलोड करके इसे अपने फ़ोन से पेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस इको डॉट को पावर से कनेक्ट कर दिए हैं और अपने मोबाइल ऐप एलेक्सा ऐप के थ्रू इसे एक बार पेयर कर लेते हैं। ऑन होते ही हमें इसके सर्कल में लाइट जलती हुई दिखती है। इसे सेटअप करना काफ़ी आसान है। एक बार यह सेटअप हो जाने के बाद आपको फिर इस ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डायरेक्ट अपनी वॉइस कमांड से इस एलेक्सा को यूज कर सकते हो। यहाँ पे सेटअप हो रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने अमेजन अकाउंट से लॉगिन करने हैं और फिर यह वाईफाई से यह चलने लगेंगे। तो चलिए अब हम इसे यूज करते हैं। एलेक्सा, आज का वेदर क्या है? Right now in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, it's 29 degrees Celsius with cloudy skies. Tonight's forecast has clouds with a low of 27 degrees. आप अपने अकॉर्डिंग वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं। आपको सर्कल में एलईडी लाइट जलती हुई दिखेगी। इस इको डॉट को यूज करना काफ़ी आसान है और ये चार बटन आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। यह माइक्रोफोन ऑन ऑफ करने का बटन है। अलेक्सा, हिंदी में बात करो। Would you like me to be able to speak both English and Hindi? Yes. Okay, I now speak English and Hindi. Alexa, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी नई दिल्ली है। Alexa, विशाखापट्टनम का वेदर बताओ।
फिलहाल विशाखापट्टनम भारत में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आसमान में बादल छाए हैं। आज रात भर ऐसा ही मौसम और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। अलेक्सा, लता मंगेशकर का सॉन्ग्स बजाओ। Amazon म्यूजिक पर ये रहा लता मंगेशकर का म्यूजिक। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अलेक्सा, अलेक्सा रुक जाओ, अलेक्सा रुक जाओ। अलेक्सा, एक जोक सुनाओ। टीचर ने बच्चे से पूछा कि अलेक्सा, भारत का क्रिकेट मैच के बारे में बताओ। वेस्ट इंडीज बनाम भारत के T20 मैच में फिलहाल भारत 13 ओवर के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 97 रन पर बल्लेबाजी कर रही है। वेस्ट इंडीज ने अब तक बल्लेबाजी नहीं की। अलेक्सा, भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन का नाम बताओ। रोहित शर्मा ICC में भारत टीम के कप्तान हैं। ओके अलेक्सा, थैंक यू। तो यह था थर्ड जनरेशन इको डॉट विद अलेक्सा। यह स्मार्ट स्पीकर आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।